हेलो फ्रेंड्स, यह है उजास एनर्जी का पिछले 9 महीने का चार्ट। ये स्टॉक ने जुलाई में, 1 जुलाई ने हाई बनाया था अप्रोक्सीमेट 10 रुपीज का, और फिर कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है। लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम यहाँ पे भी सेम, और फिर यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हुआ अप्रोक्सीमेट 2.5 रुपीज के नजदीक, और फिर थोड़ा ऊपर गया था, वापस नीचे आना चालू कर दिया है। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर इसमें काफी घुसे, ऐसा हो सकता है क्योंकि जब भी मार्केट में तेजी होती है तो ये पेनी स्टॉक्स की टिप चलती है, और जो नए निवेशक होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, वो ऐसे स्टॉक्स ले लेते हैं। तो ऐसा ये पॉसिबिलिटी एक है कि ये शुरू शुरू में लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद ये देखिए 10 महीने का चार्ट देखते हैं, तो लॉकडाउन यहाँ पे शुरू हुआ 25 मार्च को, तभी प्राइस थी 2.5 रुपीज की, और ये टिप चली हो, ऐसा हो सकता है, और कंटिन्यूस अपर सर्किट में लोक रहा, शेयर खुला ही नहीं है यहाँ पे देखिए। तो ये यहां से यहां तक रिटेल इन्वेस्टर ने माल उठाया, ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि जब भी चार्ट ऐसा हो तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर घुसते हैं और फिर वो लेना जब भी बंद कर देते हैं तो भाव नीचे आना चालू हो जाता है, और फिर जहां जहां वॉल्यूम होता है वहां पे वो एवरेज करते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अगर 10 रुपये में लिया है और भाव हो गया 6 रुपीज, तो वो सोचते हैं चलो 6 में ले लूं तो मेरा 10 का भी और 6 का भी मिला के 8 की एवरेज हो जाएगी, तो जैसा ही यहाँ पे भाव आएगा 8 का तो मैं निकल लूंगा। लेकिन भाव 8 का नहीं आया, नीचे आता है, और अभी प्राइस हो गई है, आज भी सर्किट में था, प्राइस हो गई है 3.20 रुपीज, 3.20, और जो लो था वो था 2.75, वो काफी दूर नहीं है। लो जो था उससे सिर्फ 16% प्राइस ऊपर है, मतलब आज की प्राइस 16% ऊपर है जो लो बनाया था 22 दिसंबर को, उससे वो परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जहां पर भी मैंने कर्सर रखा उससे आज तक की प्राइस कितने फर्क पड़ा, जैसे 16%, और अभी एक जरा वापस 9-10 महीने का चार्ट देखते हैं, तो अगर मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, उस दिन भाव जो था वो डेट यहाँ पे है 30 जून का, तो 30 जून की डेट से आज तक 66% प्राइस नीचे गई है, मतलब 100 रुपीज में 34 रुपीज बचा है। जिन्होंने उस दिन लिया होगा उन्होंने 66% का नुकसान किया है। तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर ये गलती करते हैं कि जब भी मार्केट नीचे जा रही है पेनी स्टॉक्स में, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस किया नहीं होता है, कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, और जो लेते हैं और फिर नीचे जाने पर एवरेज करते हैं, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा एक बार ऐसा हो भी सकता है कि जैसे यहाँ पे हुआ, देखिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर आ गई लेकिन फिर वापस प्राइस ने नीचे जाना चालू कर दिया। अगर इसमें कुछ कंपनी में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भाव वापस बढ़ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ एवरेजिंग हो रहा है और भाव नीचे जा रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और एवरेज की वजह से ज्यादा नुकसान भी होगा। थैंक यू।